नमस्कार, स्वागत है आपका प्रदेश तक में। मैं हूं आपके साथ रिद्धि। विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया के कुछ दलों ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा है कि जिस दिन जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों का मुकाबला करते हुए सेना और पुलिस के 3 अधिकारी शहीद हुए, उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ताधारी पार्टी के मुख्यालय पहुंचने पर जश्न का आयोजन क्यों किया गया। साथ ही उन्होंने कहा है कि इस जश्न को 1-2 दिन टाला भी जा सकता था। दरअसल बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में भाग लेने के लिए पार्टी मुख्यालय पहुंचे थे, जहां उनका जोरदार तरीके से स्वागत हुआ। हाल ही में भारत की अध्यक्षता में G20 शिखर सम्मेलन के आयोजन के बाद पीएम का पार्टी मुख्यालय में यह पहला दौरा था। बीजेपी मुख्यालय पर बड़ी तादाद में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद थे, जिन्होंने प्रधानमंत्री पर फूलों की वर्षा की और मोदी मोदी के नारे लगाए। इसी जश्न को देखते हुए विपक्षी दलों ने निशाना साधा है। कांग्रेस मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने एक्स पर लिखा, जिस वक्त सीमा पर हमारी सेना के 3 अधिकारियों के शहीद होने की दुखद खबर आ रही थी, उसी समय बीजेपी मुख्यालय में बादशाह की तरह जश्न की महफिल सजी हुई थी। चाहे कुछ भी हो जाए, प्रधानमंत्री अपनी वाहवाही को नहीं टाल सकते। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में अनंतनाग जिले के कोकरनाग इलाके में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में सेना के 1 कर्नल शहीद हो गए, साथ ही 3 अधिकारी शहीद हो गए, जिसके संदर्भ में इंडिया गठबंधन ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला है। कांग्रेस के अलावा राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता मनोज झा ने भी सरकार पर हमला करते हुए कहा है कि कल जब हमारे जवानों की शहादत हो रही थी तो देखा जब बीजेपी मुख्यालय में लाल गुलाबों का जश्न मनाया जा रहा था, सभी ने वो दृश्य देखे हैं, 1-2 दिन का इंतजार कर लेते। उन्होंने आगे कहा, मेरे देश के प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी जश्न मना रहे थे, जबकि 29 दिन के बच्चे ने अपने पिता को खो दिया है। इन छवियों के साथ देश सांस कैसे ले पाएगा। कल जब हमारे जवानों की शहादत हो रही थी, वो विजुअल्स हम देख रहे थे, हम जश्न का विजुअल्स देख रहे थे। बीजेपी हेडक्वार्टर से लाल गुलाब का जश्न मनाया जा रहा था। मैं समझता हूँ कि इट कुड हैव वेटेड। अब 1 दिन इंतजार कर लेते, 2 दिन इंतजार कर लेते, वो दोनों विजुअल्स ये देश एक साथ देख रहा था। प्रधानमंत्री जी के अपने मानदंड पर भी मुझे कष्ट है। पुलवामा में आपने कहा कि आपको देर से पता चला, यहां तो सुबह से सबको सब कुछ पता चल रहा। इसलिए ये सोशल मीडिया क्रिकेट विकेट मेरे लिए बेमानी है। मेरे लिए महत्वपूर्ण है कि मेरे देश के प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी जस्ट मना रहे थे, जबकि 29 दिन का एक बच्चा अपने पिता को खो चुका था। ये इन छवियों के साथ ये देश सांस। इतना ही नहीं, शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी भी विपक्ष को साधने में पीछे नहीं रही। उन्होंने कहा, जश्न आगे टाला भी जा सकता था, अधिक संवेदनशीलता की उम्मीद की जा सकती थी, खासकर उस दिन जब हमारे सुरक्षा बलों ने कश्मीर में आतंकवादियों के साथ भीषण लड़ाई की थी। हमारे 3 बहादुर लोग पहले ही देश के लिए अपनी जान दे चुके हैं, जबकि कई लोग घायल हैं अभी। अब देखना यह होगा कि विपक्ष ने इस मामले पर सत्ताधारी पार्टी की क्या प्रतिक्रिया रहती है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया और अपने आसपास की ताजा तरीन वीडियो को देखने के लिए प्रदेश तक को लाइक करें, फॉलो करें और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ऐसी ताजा अपडेट जानने के लिए प्रदेश तक .com पर विजिट कर सकते हैं।